हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तुषार गड़िया एंड आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। एंड द रीज़न व्हाई आई एम लुकिंग सो बैड एंड सो लो इज़ बिकॉज आई जस्ट वोक अप। अभी हम जा रहे हैं नीचे माउ रोड पे कुछ ब्रेकफास्ट करने हैं फिर, क्योंकि हमें सीधा निकलना है मुक्तेश्वर के लिए, विच विल टेक आज अराउंड 2.5 आवर्स अगर हम घूम फिर के जाएंगे तो। और अगर डायरेक्ट जाते हैं तो फिर शायद 1.5 घंटा लगता है, बट हमें ऑफकोर्स रास्ते में चीज़ें देखनी है तो उनको टाइम लगेगा। और अभी बज गए हैं 9:30, वी आर लेट एज यूजल, बट कोई बात नहीं, घूमने आते हैं लेट हो जाता है, तो अभी जल्दी जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं जल्दी से, और रास्ते में जो भी कुछ होता है देखते हुए चलेंगे और मैं आपको भी दिखाऊंगी। और हमारे प्लान में फिर थोड़ा सा चेंज हो गया, अब अभी हम पहले नीचे जाने वाले थे ब्रेकफास्ट के लिए, बट अभी जब हमने आसपास लोगों से पता करा कि मुक्तेश्वर जाने के रास्ते में क्या क्या चीज़ें घूमने की, तो रास्ते में एक दो मंदिर हैं जो घूमने चाहिए, तो अभी तक हमने मतलब शार नहीं लिया था, तो हम सोच रहे हैं कि मंदिर जाना है तो एटलीस्ट नहा लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता जाना, तो अब हम फिर 10 मिनट लेते हैं, फटाक से नहाते हैं और फिर निकलते हैं मंदिर के लिए। तो हम लोग फाइनली तैयार हो गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:30। चल अब हम लोग होटल के बाहर आ चुके हैं, चेकआउट हमने कर लिया है, अभी पहले हम यहाँ माल रोड से कुछ खाएंगे फटाफट से और फिर जल्दी से मुक्तेश्वर के लिए निकलेंगे, क्योंकि रास्ते में काफ़ी कुछ है देखने को और टाइमली सब देख के हमें मुक्तेश्वर भी टाइम से पहुँचना है, बहुत रात नहीं करनी हमें पहुँचते हुए, तो जल्दी से खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो ये मुक्तेश्वर का रास्ता है तो बहुत ही सुंदर है, मतलब पहाड़ तो ऐसे सारे बहुत सुंदर होते हैं, तो यहाँ पे रास्ते बहुत अच्छे अच्छे व्यूज हैं। और अभी हम एक जगह पे रुके हैं जहाँ पे काफ़ी लोग रुके हुए थे, तो हमने सोचा यहाँ पे रुक के देख लेते हैं, और व्यू यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ा सी चिल करेंगे 5-10 मिनट, फिर वापस चलेंगे। सोडा पीना चलो लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने लेमन सोडा पी लिया और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट ही हुए हैं, बट ठीक है, आगे तो ऐसे व्यूज़ आते ही रहेंगे, पूरा पहाड़ ही बहुत सुंदर है, मुक्तेश्वर बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो अब निकल जाते हैं यहाँ से और जल्दी जल्दी डेस्टिनेशन पहुँचते हैं। Hey
ठीक है पता नहीं अभी लेके आऊंगा कुछ साथ में राजू गोल मंदिर के पास पिंकी इस साइड से इधर आ जाइए इधर आ जाइए इधर आ जाइए विनय अंकल मेरा है प्रसाद आपको बाहर से मिल जाएगा माता देवी के आगे को बढ़े नंदुना
इतनी घंटी है भाई। अच्छा बांध रखी है जिनकी इच्छाएं मैं ऑफकोर्स नहीं दिखाऊंगी।